तो अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्ट ऑफ फिंगर फर्स्ट, ओके? अब आपका ध्यान आ जाना है ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्ट ऑफ फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन से चिप्स तीखे और चटकदार होंगे? चिप्स ऑफ विच ऑफ दीज फ्लेवर्स वुड बी हॉट एंड स्पाइसी? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने. ए मसाला, बी शहद, सी नमकीन या डी चीनी. मसाला, हनी, सॉल्ट या शुगर. समय हो गया समाप्त. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए. मसाले वाले चिप्स जो हैं वो तीखे होते हैं, स्पाइसी होते हैं, हॉट एंड स्पाइसी. ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है, जिन बच्चों ने उत्तर दिया है, ये हैं उनके नाम. सभी ने सही जवाब दिया है. बहुत खाते हैं चिप्स सब बच्चे. ऑलराइट, अब देखते हैं सबसे कम समय किसका लगा. आयांश भालोटिया का 1.18 seconds. ऑलराइट आयांश, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या बनती है स्थिति. लीडर बोर्ड पे आयांश नंबर वन स्थान पर आ गए. ओके, अब आएगा दूसरा प्रश्न. रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस जानवर के बच्चे अंडे से नहीं निकलते हैं? राइट, द बेबीज ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल्स डू नॉट हैच आउट ऑफ एग्स. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने. ए गौरैया, बी बिल्ली, सी मुर्गी या डी कछुआ. स्पैरो, कैट, चिकन और टर्टल. समय समाप्त. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, कैट, बिल्ली. अब बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया, क्या है उनके नाम, जल्दी बताया जाए. एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया. और सबसे कम समय किसका लगा? आयांश अगेन. ऑलराइट, आयांश बलोटिया 1.76 seconds. आयांश आप नंबर वन स्थान पर थे और लीडर बोर्ड पे अभी भी आप नंबर वन स्थान पर हैं. और दूसरे स्थान पे आ गए हैं आदित्य. तीसरा और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या एक नदी का नाम नहीं है? Which of these names is not that of a river? ऑप्शन सुनिए, ये है वो आपके सामने ऑप्शंस. ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी विंध्या या डी गंगा. गोदावरी, नर्मदा, विंध्या, गंगा. नदी का नाम नहीं है. समय समाप्त हो गया. देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए. सही उत्तर है सी, विंध्या. विंध्या जो है वो पहाड़ों का नाम है, विंध्या रेंज. ऑलराइट, अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया, उनके नाम ही आ गए. सभी ने सही जवाब दिया. वाह, और सबसे कम समय दिवित भार्गव का लगा 1.91 seconds. अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है. आयांश नंबर वन स्थान पर थे. सुरभि त्रिपाठी, ओ सुरभि, well done, well done. Come, sit forward. All the best. क्या आपने जो लगाया हुआ है ना, आर्टिस्ट, पेंटर बनना चाहती हैं आप? ओके, बहुत सुंदर लगा है ये. मुझे सब लोग बोल रहे थे दीवार वाला पेंटर. अरे मैं बोल रही हूँ दीवार वाला पेंटर नहीं बनना है मुझे. अच्छा, दीवार वाला पेंटर नहीं बनना है? नहीं, दीवार को पेंट क्यों करूंगी मैं. हाँ एग्जैक्टली, आपको एक आर्टिस्ट बनना है. अच्छी अच्छी ड्रॉइंग्स बनाएंगे, उसकी पेंटिंग्स कीजिएगा आप. ऑलराइट, बिग हैंड फॉर सुरभि. तो देवेंद्र संजय सामने आ गए हैं, सुरभि त्रिपाठी हॉट सीट पर. और ये अहमदाबाद गुजरात से है और फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही. बहुत बहुत स्वागत आपका सुरभि, वेल डन. तो आज सुरभि आप अपने साथ किसे लाई हैं कंपेनियन के रूप में? मैं मेरे पापा और मेरे नाना जी को लाई. ओहो, प्रणाम करता हूँ आपको. बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. थैंक यू. दीपक जी हैं और अरुण जी हैं. प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका. सुरभि जी, आप माने ना माने लेकिन आप स्पॉटलाइट में आ गई हैं, है ना? सारी रोशनी जो है वह आपके ऊपर है. और नहीं, हॉट सीट का मतलब नाम ही ऐसा ही, हॉट सीट, लेकिन रोशनी आपके ऊपर है. ठीक है, हाँ. और गेम के रूल्स आपको तो पता ही है, तो हम समझाएंगे नहीं आपको. सुरभि जी रेडी? चलिए प्रारंभ किया जाए. लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति. रेडी सुरभि? ओके. ये ब्रश जो है ये आपकी दाढ़ी को लग रहा है इधर ऐसे. मैं थोड़ा एक या दो उतार के रख सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है.
निकाल करके यहाँ सामने रख दे, मुझे बताइए दीजिए, मैं कर लेता हूँ। ये चॉपस्टिक की तरह और ये भी निकाल के दे देते, मुश्किल से लग रहा है। चिपका हुआ है सब। ओहो, अभी ठीक है? हाँ, वो हिलता है ना तो ऐसे खड़क खड़क। बिल्कुल सब खुल जाता है। ये आपका रखा है इधर, जाते समय आपको हम दे देंगे। ओके, ऑलराइट सुरभि, रेडी? पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि, ये रहा। इनमें से किस विषय को पढ़ते समय आपको ज्योमेट्री बॉक्स उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है? फॉर अटेंडिंग अ क्लास इन विच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर यू मोस्ट लाइकली टू नीड अ ज्योमेट्री बॉक्स? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी म्यूजिक, डी मैथमेटिक्स। हिंदी, संस्कृत, संगीत या गणित? प्लीज सर, ऑप्शन डी, मैथमेटिक्स को लॉक पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए, कह रही है सुरभि। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। एक सामान्य ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपस होता है, एक रूलर होता है, एक डिवाइडर होता है, टू सेट स्क्वायर्स होते हैं और एक प्रोट्रैक्टर होता है। ओके, 2000 पॉइंट्स तैयार। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर सुरभि जी, ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस मिठाई को पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस स्वीट डिश। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? हाँ सर, मुझे समझ नहीं आई मिठाई। अच्छा, आप नजदीक जाके देखना चाहती हैं उसको? हाँ, हाँ आप जा सकती हैं। सर, देख लिया? आइए, मुझे जो लग रहा है क्या पता वही हो, देखते हैं ऑप्शन। हाँ चलिए देखते हैं, विकल्प देखते हैं क्या होता है, कि जो मैंने फिर बताइएगा। ओके, तो विकल्प डाल रहे हैं हम आपके सामने। ए गुलाब जामुन, बी लड्डू, सी श्रीखंड या डी रसगुल्ला। सर प्लीज ऑप्शन सी, श्रीखंड को लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूर से ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन हमने कहा था विकल्प। लगा कि कुछ जमा हुआ दही है क्या, ये समझ नहीं आया। ओके, अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, 3000 पॉइंट्स, रेडी सुरभि जी? ये रहा आपके सामने। इनमें से किस रंग को लाल रंग में मिलाने से वो गुलाबी हो जाएगा? एडिंग विच ऑफ दीज कलर्स टू रेड विल मेक इट पिंक। और आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लैक, बी व्हाइट, सी ब्लू, डी येलो। सर प्लीज ऑप्शन नंबर बी, सफेद मींस व्हाइट को लॉक कर दिया जाए। बी पे थल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गुलाबी जो है वो लाल रंग का एक टिंट होता है जिसे लाल रंग में सफेद मिला करके बनाया जा सकता है। जिस तरह से नहीं, थोड़ी बहुत गुलाबी आपने कमीज भी पहन रखी है ना? वो ये ड्रेस मैंने पहनी हुई है, वो पिंक कलर की है। अच्छा, मुझे पिंक कलर इतना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे पे पिंक और येलो दोनों ही अच्छा लगता है। येलो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, दोनों ही अच्छे लगते मेरे पे। पहनते क्यों है आप फिर उन्हें? अब मेरे पे अच्छा लगता है, मम्मी बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पे और कम्फर्टेबल भी हो जाता है मुझे। एक बात बताइए सुरभि जी, आप हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाह रही थी या क्या? नहीं, जब मैं छोटी थी ना तब मुझे ऐसा था कि जब ये छोटी थी, छोटी मतलब नहीं ठीक है, बड़ी 5 साल की थी ना, तब मुझे ऐसा था कि मुझे बड़े होके ना कोई डॉगी बनना है या हॉर्स बनना है, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि बड़े होके कोई जो काम करना है काम करना होता है। ये कुत्ता बिल्ली बन नहीं सकते है ना। तो आपको लगता था कि आप या तो कुत्ता बनना चाहेंगी या घोड़ा? हाँ, मतलब ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि जो फेवरेट एनिमल होता है वही बड़े होके बन जाएंगे। अच्छा, किसी ने कहा कि जो आपका फेवरेट होता है वही बन जाती हैं आप? मैंने ऐसे सोचा पता नहीं क्यों। लेकिन आप ना डॉगी हैं ना आप घोड़ा हैं, इस समय आप सुरभि हैं और अभी आप खेल रही हैं कौन बनेगा करोड़पति, इतना तो जानती है ना। उसको साबित करने के लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। चौथा प्रश्न, रेडी? 5000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि जी, ये रहा। अमरूद के पेड़ का इनमें से कौन सा भाग भूमि के नीचे होता है?
which of these parts of a guava tree is below the ground? Option dekhiye: A, fruit; B, leaf; C, branch; D, root. Phal, patta, shakha ya jad? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद डी होगा। प्लीज सर ऑप्शन नंबर डी, रूट को लॉक कर दिया जाए। डी पे लॉक कर दिया जाए। और आपको बता दें, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जड़ है, जड़ जो है किसी भी पेड़ की जड़ जो है वो जमीन के नीचे होती है। नहीं, वो इसमें जड़ लिखा था। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों को लगता है वो नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रिक के लिए ऐसा लिख दिया होगा। और सर एक बात बताऊं, एक दिन में आप कितने घंटे बोलती हैं? पूरा दिन बोलती रहती हैं। मैं बाथरूम में भी बातें करती रहती हूँ खुद से। और आपके सामने आ गया है पांचवा प्रश्न। ठीक है सुरभि, पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये, क्योंकि ये पार करने से आप 10,000 पॉइंट्स अवश्य ले जाएंगे और वो ज्ञानास्त्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। ये रहा द फार अवे ट्री, द फेमस फाइव और द सीक्रेट सेवन किस लेखिका की पुस्तक श्रृंखला है? द फार अवे ट्री, द फेमस फाइव एंड द सीक्रेट सेवन आर बुक सीरीज बाय विच ऑथर? ए, इनिड ब्लाइटन; बी, जैकलिन विल्सन; सी, एगाथा क्रिस्टी; या डी, ईवा इबर्टसन। सर मुझे लोगों के नाम ही नहीं समझ आ रहे, तो आप है ना ऑडियंस पोल प्लीज एक्टिवेट करें। ओके, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रही हैं सुरभि जी। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में आ जाएं और आपका समय शुरू होता है अब। इनिड ब्लाइटन ए सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 64। मुझे वही लग रहा था, उस पे डाउट जा रहा था मुझे। अब फिर अभी कैसे नहीं कहा फिर आपने? क्यों लग रहा है? लगा कि गलत होगा। तो घड़ी चल पड़ी, क्या करें? ऑप्शन नंबर ए को लॉक, ए को थाला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने, वेल डन। थैंक यू ऑडियंस, गलत नहीं दिया। थैंक यू ऑडियंस। इनिड ब्लाइटन बचपन में न जाने कितनी कहानियां इनकी पढ़ी होंगी हमने और आपने भी पढ़ा है, आपको लगा था कि वो है। ये तीनों ही दुनिया भर के लाखों बच्चों द्वारा पढ़ी जाने वाली बहुत ही लोकप्रिय बुक सीरीज है। और इनिड ब्लाइटन बहुत ही सुंदर लेखिका जो कि बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखती रहती हैं। ओके, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज है कि इनका सुपर पावर जो है यानी ज्ञानास जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। और ये आ गए ज्ञानास जी आपके स्क्रीन के ऊपर। छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स। सुरभि त्रिपाठी जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। डी डी स्ट्रोक एम एम स्ट्रोक वाई 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 के रूप में इनमें से किसे दर्शाया जाता है? डी डी एम एम वाई 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 इज अ फॉर्मेट दैट डिस्क्राइब्स द डिस्प्ले ऑफ विच ऑफ दीज। ठीक है, अब मैं ऑप्शन रखता हूं, ए फोन नंबर, बी डेट, सी ईमेल आईडी या डी पोस्टल एड्रेस। फोन नंबर, दिनांक, ईमेल आईडी या डाक पता। बी पे लगाए ताला, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। भारत और दुनिया के अधिकांश जगहों में लोग इसी फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। अमेरिका में महीने जो है वो पहले लिखे जाते हैं, अमेरिका में। ऑलराइट सुरभि जी, सातवां प्रश्न आएगा और देगा आपको 40,000 पॉइंट्स। रेडी? ओके, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर सातवां प्रश्न। कंगारू द्वीप किस देश का हिस्सा है? Kangaroo Island is a part of which country? A, New Zealand; B, Fiji; C, Malaysia; D, Australia. Sir, D, Australia लग रहा है क्योंकि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ना। Okay. Sir, option number D, Australia को please lock कर दिया जाए। D को lock कर दिया जाए। ये सही जवाब दिया आपने सुरभि जी। Well done. Kangaroo Island जो है
वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी कोस्ट पर स्थित है। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्हों में से एक, उनका नेशनल एनिमल जो है ऑस्ट्रेलिया का वो कैंगरू है। ऑलराइट सुरभि, आठवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि किसी सड़क की लंबाई 500 मीटर है तो वो कितनी किलोमीटर लंबी है? इफ द लेंथ ऑफ अ रोड इज 500 मीटर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स इज इट? ऑप्शन देखिए, ए 5, बी 1, सी 0.5 या डी 50। सकता क्योंकि 500 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, तो 50 हो सकता है। 500 का होगा 500 मीटर। सोचने दीजिए सर। अरे यार सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर। 50-50 लाइफलाइन, शांत हो जाइए। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और आपको मालूम है सुरभि कि दो जो इसमें विकल्प हैं जो गलत हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सर मिट गए? हाँ, तो 0.5 होगा सर। ओके, क्या करें सर? प्लीज सी ऑप्शन 0.5 को लॉक कर दिया जाए। सी पे लॉक कर दिया जाए, ये सही है। 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 500 मीटर जो है उसका आधा होगा। आधा क्या होता है? 0.5। इतना सोचने की क्या जरूरत थी? अरे सर मुझे क्या है कि मैं है ना मैथ्स वैसे तो अच्छा है, क्लास में एकदम सही कर लेती हूँ, घर आके भूल जाती हूँ। फिर घर आके पापा कुछ सम देते, फिर मैं पापा चार ऑप्शन देते, मैं कोई एक बोलती हूँ जैसे 50 मैंने बोला, तो फिर पापा ऐसे मुझे ऐसे घूर के देखते हैं। मैं सोचती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, इसलिए ऐसे घूर के देखते हैं वो आपको। और मुझे डर लगता है कि गलत हो गया तो चिक चिक करेंगे मेरे पे। भाई साहब इन पे थोड़ी सी दया कर लीजिएगा। नहीं नहीं, घूर के मत देखिएगा, घबरा जाते हैं, आंसर इनका गलत हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये सही आंसर देते रहे और ढेर सारे पॉइंट्स यहां से जीत के जाए। यस सर, धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारी जनता और हम और जितने भी जनता बैठी है, आपका एक रिपोर्ट कार्ड हमको मिला है। कैन वी हैव द रिपोर्ट कार्ड प्लीज ऑफ सुरभि? ये आ गया। आ गया ना? ये ऐसे ऐसे क्या कर रही हैं आप? मेरा स्केच पेन है ना रेड कलर का, वो पकड़ा हुआ था मैंने ऐसे करके, वो वाली फोटो है। हाँ, वो ऐसे पकड़ा हुआ आपने। हाँ, कि मैं अभी लगा दूंगी किसी पे। किसी पे लगा देंगे आप कलर? हाँ। क्यों? मुझे गुस्सा आ रहा था, अरे मुझे फोटो खींचना आता, मतलब फोटो खींचेंगे ना ऐसे करके, अब मुझे खाना खाना था, खाना खाने से पहले मुझे उठा के ले आए कि अभी फोटो खींचेंगे, तो गुस्सा नहीं आएगा आदमी को कि खाना खाना है, खाना खाना है। इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था कि अगर अगर इसके बाद और कुछ किया ना तो पेंट लगा दूंगी। अभी आपको मालूम है जब से आप बैठी हैं आपका फोटो खींचा जा रहा है, अब किस किस का आप पेंट जो है वो लगाएंगे चेहरे पर? अभी तो लाई नहीं मैं पेंट। आप नहीं लाई हैं, पेंट करना चाहती हैं लोगों के चेहरे को अगर उनका आपकी फोटो खींची जा रही है। खरीद लूंगी सर। हैं? सर खरीद लूंगी। कहाँ से लाएं आपके लिए? अरे आपको मैंने नहीं बोला, आप क्यों खरीदोगे? मैं मेरे पापा को बोल दूंगी ना। मैंने बोला था हॉट सीट पे आएगी तो दूंगा, अभी आ गई ना तो पापा से मांगूंगी कलर। इनसे ज्यादा बात करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। देवियों सज्जनों, आप बहुत चतुर हैं, आपको मालूम है। ओके, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। सुरभि आप 9 साल के हैं, 9 इयर्स हैं, और पुणे इंटरनेशनल स्कूल 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं आप। आपकी लाइक्स हैं हेयर एक्सेसरीज, पेंटिंग, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस एंड प्लेइंग गरबा। यूट्यूब बनाती है वीडियो आप? सर हाँ, आपको एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। देखो सर, अगर मतलब आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे क्या?
dislikes growing up, always wants to stay a cute little girl, little children who show off. ये आपको अच्छा नहीं लगता है कि जो बच्चे show off करते हैं? हाँ, और आप हमेशा इसी उम्र की रहना चाह रही? अच्छा, ऐसे ऐसा संभव नहीं होने वाला है देवी जी. मैं बता दूं, बहुत जल्दी जितनी महिलाएं बैठी ना यहाँ पर, इतनी बड़ी हो जाएंगी आप. ठीक है, अंदर से तो बच्ची रहूंगी ना. हाँ बिल्कुल ठीक है, अंदर से बच्ची रही है. ओके, अचीवमेंट्स: ब्लैक एंड व्हाइट क्वीन इन स्कूल फैशन शो, वाओ, एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन द स्कूल, यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये नंबर वन स्टूडेंट. और मॉनिटर भी बन गई आप क्लास की? No, स्कूल की? नो सर. फिर सर देखो, पहले हमारा स्कूल में ना वोटिंग सिस्टम होता था, जैसे नेताजी का वोटिंग होता है ना. अब मैं तो स्कूल में पॉपुलर थी, तो ऐसे यू मैनेजर बन जाती थी मैं, तो है ना. पर अभी मैम क्या करती है, पूरा मंथ ऑब्जर्व करती है कि कौन होमवर्क होना चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ना, फिर डिसिप्लिन में रहना चाहिए, फिर शांत रहना चाहिए ना, ये सब ना, वो सब, बहुत कुछ. अगर वैसा बिहेव किया, सारी क्वालिटीज हुई, जैसे आप में अगर सारी क्वालिटीज हुई, तो आप नेक्स्ट मंथ के मॉनिटर बन जाओगे. कोई ऐसी भी क्वालिटी है कि जो कहे कि ये बोलती बहुत है? नहीं सर. एक बार शुरू किया, बोलना ही बंद नहीं होता. बट वेरी गुड क्वालिटी, सुरभि, बोलते रहना चाहिए. और सर? हाँ अच्छा, सॉरी, और कुछ सर, रुको, अभी मुझे एक और बात बोलनी है. हाँ जी बिल्कुल. मेरे पापा को इस बात के लिए डांटना, ठीक है? मैंने बताया ना कि अभी गुड स्टूडेंट का था, तो मैंने सोचा कि चलो एक मंथ की तो बात है, गुड स्टूडेंट बन जाता है, तो मैंने सब कुछ गुड 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 किया. तो मैंने सोचा चलो 1 दिसंबर को तो मैं ही मॉनिटर बनूंगी. पापा ने क्या किया, चिक चिक करके बोला, अरे केबीसी की पढ़ाई करनी है, स्कूल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉनिटर इतना ज्यादा क्यों करती है, ऐसा ना वैसा. और डांट ना, फिर मैं अगर बोल देती हूँ कि अरे यार मत डांट रहना, ऐसे बोलती हूँ ना, तो पापा रोने लगते थे, प्लीज बेटा सर भी मत जाना, मतलब. हमारी जनता में जितने लोग बैठे हैं, वहाँ पर एक सीट खाली होने वाली है. आपके पिताश्री जाने वाले हैं छोड़कर. ओके, ऑलराइट. और आखिरी बात, पेरेंट्स रिमार्क्स: मम्मी की हेयर क्लिप्स, इयररिंग्स और मेकअप का सामान जो है वो छुपाना पड़ता है, क्योंकि आप चोरी कर लेते हैं. तो आप चुरा लेती हैं हेयर क्लिप वगैरह? अच्छा, पापा डांटते रहते हैं आपको, आप भी उनकी चीज चुरा लिएगी. जैसे पेंशन, पापा थोड़ी ना हेयर क्लिप लगाएंगे. और सुरभि, बहुत सारी रिपोर्ट आ गई आपकी, बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ, अब आपका ध्यान जो है इधर आना चाहिए. आ गया है नवा प्रश्न. नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. कौन से धार्मिक गुरु वेटिकन सिटी में रहते हैं? विच रिलीजियस लीडर लिव्स इन वेटिकन सिटी? ओके, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं. ए आगा खान, बी द पोप, सी द दलाई लामा, और इज इट डी आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी. आगा खान, पोप, दलाई लामा या कैंटरबरी के आर्च बिशप? सर ये डी अब समझ ही नहीं आ रहा, आक्षी भी सॉम. अगर आप चाहें तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल हो सकता है. सर मुझे एक सेकेंड, कौन से धार्मिक गुरु वेटिकन सिटी में ही रहते हैं? आगा खान, पोप, दलाई लामा. लाइफलाइन लेंगे? हाँ लाइफलाइन. ओके, शांत हो जाइए. कौन सी लाइफलाइन? 2 बची हुई है, आस्ति एक्सपर्ट या ज्ञानास्त्र? सर अभी इसमें भी सोचना पड़ेगा मुझे. अच्छा, सोचना पड़ेगा. आस्ति एक्सपर्ट लास्ट के लिए रखती हूँ ना. ज्ञानास्त्र, ज्ञानास्त्र सर. ज्ञानास्त्र, ऑलराइट. ज्ञानास्त्र को अंकित किया जाए. कबीर जी, मैं जनता को बता दूं कि उन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है. आपने क्योंकि ज्ञानास्त्र लिया हुआ है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारी जनता के लिए. ठीक है, तो किसी एक को गेस कीजिए आप. सर ऑप्शन डी. डी, डी पे थोड़ा लगा जाए. अच्छा, वो आपने लाइफलाइन ले ली, ये गलत उत्तर है. सही उत्तर है पोप. पोप, अच्छा, पोप का नाम नहीं सुना आपने? वेटिकन सिटी में रहते हैं. नहीं मैंने नाम सुना है, पर ये नहीं सुना था कि वेटिकन सिटी में रहते हैं. मुझे वेटिकन अपने आप में एक, अपने आप में एक कंट्री है, और पोप वहां रहते हैं. ओके, पोप शब्द जो है वो पिता के लिए प्रयोग होने वाला लैटिन शब्द पापा से आता है.
और पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख की उपाधि है और वेटिकन पैलेस पोप का निवास स्थान है। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है। ऑलराइट, इन्होंने ज्ञानास लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है और इनका ज्ञानास्त है स्पेस, स्पेस संबंध। ऑलराइट, लेकिन स्पेस का स्वागत इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगी एक सुपर मंथ जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। बोलिए अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम, पलट दिया जाए प्रश्न। ऑलराइट, ये आ गया है स्पेस पर आधारित सुरभि जी एक प्रश्न। एक तस्वीर दिखाएंगे आपको अभी सुरभि। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री को दिखाया गया है? Which astronaut of Indian origin is shown on the cover of the book? Can we see the book, please? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, आपको बताना सही उत्तर क्या है। रेडी? ए अनुशय अंसारी, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी अथीरा प्रीता। सर ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स को प्लीज लॉक कर दी जाए। किसे? सी सी लॉक कर दे, सी पे ताल लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन सुनीता विलियम्स 2007 में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनी जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर थी। उनके पिता जो थे वो भारतीय थे। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा देवी सज्जो, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका हम अपना अपना अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ओके सुरभि, अगला प्रश्न आएगा दसवां प्रश्न। अगर ये दसवां प्रश्न गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000। इसलिए एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको अगर लगे कि आपको इसका सही उत्तर नहीं मालूम, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। ऑलराइट, 3,20,000 पॉइंट खेल का दूसरा पड़ाव, दसवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि, ये रहा। इनमें से कौन वर्ष 2000 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? Who among these has not been the Prime Minister of India after the year 2000? ऑप्शन सुनिए। ए श्री पीवी नरसिम्हा राव, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो सर, श्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके पहले थे और उनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। सर आए सर ए ए ताल लगा दें। ए ए श्री पी वी नरसिम्हा राव, ए पे ताल लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well played, Surabhi. दसवां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स और चेक आ रहा आपके नाम। Well done, Surabhi. Good answer, Surabhi. बहुत अच्छा उत्तर दिया। पीवी नरसिम्हा राव जी 1996 तक अंतिम बार प्रधानमंत्री रहे और बाकी सभी जो थे वो वर्ष 2000 के बाद प्रधानमंत्री बने। कितनी जल्दी आपने उत्तर दे दिया, वेल डन सुरभि। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये जो टिक 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 होता रहता था ना, ये बंद हो जाएगा। अच्छा हुआ ना। यहाँ पर हमारा एक 17वां प्रश्न है, 17th क्वेश्चन, जो जैकपॉट प्रश्न है, इसका नाम है तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। एक और द्वार खुलता है 15वें प्रश्न पर, जो है 75,00,000 पॉइंट्स का। इसका नाम है धन अमृत पड़ाव। ओके, और धीरे धीरे प्रश्न जो है वो कठिन होते जाएंगे। एक लाइफलाइन है आपके पास, एक्सपर्ट लाइफलाइन, उसका इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको उत्तर ना मालूम हो। सुरभि, ये आ रहा है 11वां प्रश्न, रेडी? इसका मूल्य है 6,40,000 पॉइंट्स और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नवंबर 2022 में इनमें से किस ज्वालामुखी में
तीन दशक बाद विस्फोट हुआ जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। Which of these, the largest active volcano on Earth, erupted after more than three decades in November 2022? Option सुनिए: A. Mount Etna, B. Mauna Loa, C. Mount Merapi, या D. Sakurajima. सर, सकुराजीमा मुझे ऐसा लग रहा है दो देशों के बीच में हो सकता है। एक तो देखो सर, इंडोनेशिया में ज्यादा वोल्केनोज होते हैं, नहीं तीन, सॉरी तीसरा देश नहीं है, एक पैसिफिक ओशन में भी हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे बहुत ही खतरनाक वोल्केनो है, और इंडोनेशिया में भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत सारे हैं और उसमें ज्यादा विस्फोट होते हैं, और साकुराजीमा ऐसा कुछ नाम जापान के लोगों का होता है, इसलिए मुझे जापान भी लग रहा है। तो सर मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, माउंट एटना, मोना लुआ, माउंट मेरापी और सकुराजीमा, सकुराजीमा मेरापी, मेरापी भी हो सकता है मेरापी, क्योंकि एक मतलब मेरी मम्मी जो न्यूज़ व्यूज़ उनको है ना पूरा दुनिया का ज्ञान है, अगर मम्मी यहाँ पे होती ना तो मम्मी तो 7.5 करोड़ जीत के चली जाती, मम्मी 7.5 करोड़, क्योंकि मेरी मम्मी को सारी चीज़ का ज्ञान है। तो उन हाँ। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास एक लाइफ लाइन है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है सर, लाइफ लाइन कर लीजिए। लाइफ लाइन लाइफलाइन लेंगे, ओके। हाँ सर, मुझे समझ ही नहीं। लाइफलाइन जो आपकी बची हुई है वो है आस द एक्सपर्ट वाली, वीडियो कॉल द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और निशी मिश्रा जी, आपकी बारी आ गई है। निशी जी, एक बार फिर आपका स्वागत। निशी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं सुरभि आपसे। ये सुरभि अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी और आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। अगली आवाज होगी सुरभि की। रेडी सुरभि, आपका समय शुरू होता है अब। Which of this the largest active volcano on earth erupted after more than 3 decades in November 2022? Option A Mount Etna, Option B Mauna Loa, Option C Mount Merapi और Option D Sakurajima। सुरभि, आप अपना मन बिल्कुल केंद्रित करिए, आज पूरी कायनात आपको जिताने के लिए जुटी है। आपका ऑप्शन है B Mauna Loa, ये एक हवाईयन आइलैंड है जो 38 साल के बाद उसमें विस्फोट हुआ था। अच्छा, थैंक यू। क्या करेंगे सर, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। बी Mauna Loa पे ताला लगाया जाए इज द राइट आंसर। और आप ऋषि जी को नमस्कार करके धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू, वेलकम। Mauna Loa जो है, जैसा कि निशी जी कह रही थी, वो हवाई यूएस में है और इसमें अंतिम बार 1984 में विस्फोट हुआ था और 9144 मीटर के साथ इस पर्वत की कुल ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट से अधिक है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, पर समुद्र तल के ऊपर Mauna Loa केवल 4170 मीटर दिखाई देती। अब आप जीत गए हैं 6,40,000 पॉइंट। ओके सुरभि, चारों लाइफलाइन चली गई आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स। यस। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजों के साथ लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए इनमें से किस नेता ने बचपन में बाल चरखा संघ और वानर सेना की स्थापना की थी? Which of these leaders founded the Bal Charkha Sangh and the Vanar Sena in her childhood to support the freedom struggle? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए: ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी अरुणा आसिफ अली,
सी कस्तूरबा गांधी या डी इंदिरा गांधी? ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना, उनका मैंने नाम सुना है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं पता उनका, तो इनको हटा दो अभी। अरुणा असाफ अली, हाँ ये जो है ना बी ऑप्शन, वो भी हटा दो। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की वाइफ थी शायद। सर देखो मुझे समझ आ गया थोड़ा सा, देखो विजय लक्ष्मी पंडित वो भी शायद, मतलब वो लीडर टाइप के होते हैं ना, वो थे शायद या नहीं थे, वो नहीं जाता। अरुणा तो मैंने हटाई दी है, कस्तूरबा गांधी जी तो लीडर नहीं थी, मतलब लीडर नहीं थी वो तो। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगी 12,50,000 पॉइंट। तो देखो कस्तूरबा गांधी मुझे नहीं लग रहे, इंदिरा गांधी हो सकती है मुझे लग रहा है, नहीं बचपन बचपन। और अगर आपको उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकती है, ये तो जानती है ना। 6,40,000 पॉइंट जीत रहे हैं आप। क्या करेंगे आप? सर आई क्विट, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कहना पड़ेगा अगर आप क्विट करना चाहती हैं कि मैं क्विट करना चाहती हूँ। सर मैं क्विट करना चाहती हूँ। ओके, आपकी जो बात है उसे हम मान्यता देते हैं और आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। 6,40,000 पॉइंट आपने जीता है सुरभि जी, और ये जो 6,40,000 पॉइंट हैं ऐप द्वारा हम आपके जीते हुए पॉइंट्स इनको हम डिजिटली ट्रांसफर करके दे देंगे। इसमें आपका नाम आ गया सुरभि त्रिपाठी, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ, 6,1,2,3,4, 6,40,000 कन्फर्म किया, पहुंच गया आपके अकाउंट में, सीधा गए इनके अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके, तो ये जो जीता है इन्होंने, ये पॉइंट्स के रूप में रहेंगे इनके अकाउंट में, 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ऑलराइट सुरभि, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। सर डी इंदिरा गांधी। ऑलराइट, डी पे इतना लगा जाए सही है, अगर खेलती तो ये सही हो जाता। इंदिरा गांधी के बचपन में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए बाल चरखा संघ और 1930 में बच्चों की वानर सेना की स्थापना की थी उन्होंने। ऑलराइट, तो आप अगर खेल जाती तो ये सही होता, लेकिन आप जीत गई हैं 6,40,000 पॉइंट। और जाने से पहले इनको मिलता है एक खूबसूरत गुडी बैग, आइए आपको देते हैं एक बैग। और केबीसी की तरफ से एक मेडल दिया जाता है आपको।